कहाँ पर? मैंने हाफते हुए पूछा। इंटरव्यू शुरू होने में 2 मिनट का वक्त बाकी था और मुझे अपना रूम नहीं मिल रहा था। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के भूल भुलैया नुमा गलियारों में भटकते हुए मुझे जो मिलता मैं उसी से रास्ता पूछने लगता। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे इग्नोर कर दिया। कुछ तो मुझे देखकर खीखी कर हंसने लगे, पता नहीं क्यों। वेल, अब मुझे पता चला क्यों। मेरा लहजा। साल 2004 में मेरी इंग्लिश बिहारी नुमा हुआ करती थी और उसे इंग्लिश नहीं कहा जा सकता था। वह तो 90% बिहारी इंग्लिश मिक्स थी, जिसमें 10% खराब इंग्लिश मिक्स कर दी गई थी। मिसाल के तौर पर मैं इन शब्दों में अपने रूम का पता पूछ रहा था। कमेटी रूम, बतलाइएगा जरा, हमारा इंटरव्यू है ना वहाँ? मेरा खेल का कोटा है, किस तरफ है? वेयर आर यू फ्रॉम मैन, एक लड़के ने पूछा, जिसके बाल बहुत सी लड़कियों से भी लंबे होंगे। मैं माधव झा, फ्रॉम सिमराव बिहार। उसके दोस्त हंस पड़े। यह तो मुझे बाद में पता चला कि लोग अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जिन्हें वे रेट्रिकल क्वेश्चन कहते हैं, यानी एक ऐसा सवाल जिसे वे महज कुछ साबित करने के लिए पूछते हैं, कोई जवाब पाने के लिए नहीं। यहाँ उसके इस सवाल का मतलब यह साबित करना था कि मैं उन लोगों के बीच एलियन था। तुम किस चीज के लिए इंटरव्यू देने आए हो? पियोन के लिए, लंबे बालों वाले लड़के ने कहा और हंस दिया। मुझे तब इतनी इंग्लिश नहीं आती थी कि मैं उनकी इस बात को समझकर उसका बुरा मान सकूं। फिर मैं जल्दी में भी था। आपको पता है रूम कहाँ है? मैंने उसके दोस्तों की ओर एक नजर डालते हुए पूछा। वे सभी अमीरजादे इंग्लिश टाइप लग रहे थे। छोटे कद के एक थुलथुले लड़के को शायद मुझ पर तरस आ गया और उसने कहा, मेन रेड बिल्डिंग के कॉर्नर से लेफ्ट में चले जाओ तो तुम्हें कमेटी रूम का साइन नजर आएगा। थैंक यू, मैंने कहा। कम से कम मुझे इंग्लिश में इतना तो ठीक से कहना आता ही था। साइन बोर्ड इंग्लिश में लिखा होगा, तुम उसे पढ़ सकोगे? लंबे बालों वाले लड़के ने फिर कहा। वह मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू था। 3 बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे। उन्हें देखकर लगता था कि जिस दिन से उनके बाल सफेद होना शुरू हुए तब से वे मुस्कुराए नहीं थे। मैं यह सीख कर आया था कि इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू लेने वालों को विश करना चाहिए। मैंने इसकी बकायदा प्रैक्टिस भी की थी। गुड मॉर्निंग सर, यहाँ एक से ज्यादा लोग हैं, बीच में बैठे एक सज्जन ने कहा। वे कोई 55 साल के होंगे और उन्होंने काले चकोर फ्रेम का चश्मा और चेक जैकेट पहन रखी थी। गुड मॉर्निंग सर, सर, सर एंड सर, मैंने कहा। वे मुस्कुरा दिए। मुझे लगा कि वह कोई बहुत नेक किस्म की मुस्कुराहट नहीं है, वह एक हाई क्लास टू लो क्लास स्माइल थी, सुपीरियरिटी की स्माइल, इस बात की स्माइल कि उन्हें इंग्लिश आती थी और मुझे नहीं आती थी। जाहिर है मेरे पास सिवाय इसके कोई और चारा न था कि जवाब में मैं भी मुस्कुरा दूं। बीच में बैठे हुए सज्जन प्रोफेसर परेरा थे, सोशियोलॉजी के हेड, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। फिजिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर फर्नांडिस और इंग्लिश में पढ़ाने वाले प्रोफेसर गुप्ता उनके बाएं और दाएं बैठे थे। स्पोर्ट्स कोटा ए, प्रोफेसर परेरा ने कहा। यादव कहाँ है? मैं यहाँ हूँ सर, मेरे पीछे से एक आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो पाया कि एक ट्रैक सूट पहने शख्स दरवाजे पर खड़े हैं। उनकी उम्र को देखकर लग रहा था कि वे स्टूडेंट तो नहीं हो सकते, लेकिन वे फैकल्टी भी नहीं लग रहे थे। वे 85% तुम्हारा डिसीजन है, प्रोफेसर परेरा ने कहा। नो वे सर, फाइनल अथॉरिटी तो आप ही हैं।
वे प्रोफेसरों के पास जाकर बैठ गए। पीयूष यादव कॉलेज के स्पोर्ट्स कोच थे और स्पोर्ट्स कोटा के सभी इंटरव्यू में बैठते थे। वे प्रोफेसरों की तुलना में अधिक सहज और मित्रतापूर्ण लग रहे थे। उनका लहजा भी कोई बहुत फैंसी नहीं था। बास्केटबॉल प्रोफेसर फर्नांडिस ने मेरी फाइलों को पलटते हुए पूछा। यस सर, मैंने कहा। व्हाट लेवल स्टेटस? तुम पूरे सेंटेंस बोल पाते हो या नहीं? प्रोफेसर गुप्ता ने सख्त आवाज से पूछा। मैं उनका सवाल ठीक से समझ नहीं सका। मैं चुप रहा। डू यू? उन्होंने फिर पूछा। यस यस, मैंने कहा। मेरी आवाज दोषियों सरीखी लग रही थी। सो तुम सेंट स्टीफेंस में पढ़ना क्यों चाहते हो? कुछ पल चुप्पी छाई रही। कमरे में बैठे चारों व्यक्ति मुझे देख रहे थे। प्रोफेसर ने मुझसे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा था। आई वॉन्ट गुड कॉलेज, मैंने मन ही मन अपने दिमाग में वाक्य को जमाते हुए कहा। प्रोफेसर गुप्ता ने सीखे निपोड़ दी। वह क्या जवाब है? और सेंट स्टीफेंस एक गुड कॉलेज क्यों है? मैं हिंदी बोलने लगा। इंग्लिश में जवाब देने के लिए मुझे रुक रुक कर बोलना पड़ता और इससे मैं उन लोगों को स्टूपिड लगता। शायद मैं सचमुच स्टूपिड ही था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उन्हें यह बात पता चले। आपके कॉलेज का बड़ा नाम है, यह बिहार में भी फेमस है, मैंने कहा। कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश? प्रोफेसर गुप्ता ने कहा। क्यों, क्या आपको हिंदी नहीं आती? मैंने फौरन हिंदी में जवाब दिया। उनके चेहरे को देखकर मैं समझ गया कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। मैंने यह बात उनका अपमान करने के मकसद से नहीं कही थी। मैं सचमुच यह जानना चाह रहा था कि जब मैं हिंदी बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो वे मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में क्यों करना चाह रहे हैं। जाहिर है, तब मुझे यह नहीं पता था कि सेंट स्टीफेंस के प्रोफेसर यह पसंद नहीं करते कि उन्हें हिंदी बोलने को कहा जाए। प्रोफेसर परेरा यह कैंडिडेट इंटरव्यू देने कैसे चला आया? प्रोफेसर गुप्ता ने कहा। प्रोफेसर परेरा उन तीनों में से सबसे उदार लग रहे थे। उन्होंने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, हम अपने कॉलेज में इंग्लिश को इंस्ट्रक्शन के मीडियम के रूप में प्रेफर करते हैं। बस इतनी ही बात है। इंग्लिश के बिना मैं खुद को नंगा महसूस कर रहा था। मैं बिहार के अपने रिटर्न टिकट के बारे में सोचने लगा। मेरा इस दुनिया से कोई रसोकर नहीं रह गया था। इंग्लिश बोलने वाले ये खूंखार लोग मुझे कच्चा चबा सकते थे। मैं सोच रहा था कि इन लोगों को अलविदा कहने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि तभी पीयूष यादव ने मेरी सोच में खलल डाला। बिहार से हो? उन्होंने पूछा। हिंदी में कहे गए ये चंद शब्द मुझे तपती धरती पर बारिश की ठंडी बूंदों की तरह लगे। उस पल मुझे पीयूष यादव बहुत अच्छे लगने लगे थे। यस सर, सिमराव से। पता है यह पटना से 3 घंटे की दूरी पर है ना? उन्होंने कहा। आप सिमराव को जानते हैं? मैंने कहा। मेरा जी चाह रहा था कि मैं उनके कदम चूम लूं, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले ये तीन खूंखार प्राणी मुझे घूरते रहे। मैं पटना से हूँ। एनीवे, इन लोगों को बास्केटबॉल में अपनी अचीवमेंट के बारे में बताओ, पीयूष ने कहा। मैंने सिर हिला दिया। पीयूष मेरी नर्वसनेस को भांप गए और फिर बोलने लगे। टेक योर टाइम, मैं भी हिंदी मीडियम हूँ, इसलिए तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तीनों प्रोफेसर पीयूष की तरफ देखते रहे, मानो सोच रहे हों कि इनको कॉलेज में नौकरी कैसे मिल गई। मैंने खुद को संभाला और वे पंक्तियां बोलने लगा जिनकी मैं रिहर्सल करके आया था। सर,
मैंने 6 साल तक स्टेट लेवल बास्केटबॉल खेला है। पिछले साल में BFI नेशनल टीम की वेटिंग लिस्ट में भी था। BFI? प्रोफेसर गुप्ता ने पूछा। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, पीयूष ने मेरी जगह जवाब दिया। हालांकि मुझे भी यह जवाब पता था। और आप सोशियोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्यों? प्रोफेसर फर्नांडिस ने कहा, क्योंकि यह सरल कोर्स है और इसके लिए ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? प्रोफेसर गुप्ता ने टिप्पणी की। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या प्रोफेसर गुप्ता को मुझसे कोई प्रॉब्लम थी या उनका स्वभाव ही ऐसा तुनक मिजाज था या फिर उन्हें कब्ज की शिकायत थी। I am from a rural area, गुप्ता ने ए पर जोर देते हुए कहा। मानो इसको न बोलकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। हिंदी सर, क्या मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर सकता हूँ? किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरे पास ज्यादा चॉइस नहीं थी। मैंने चांस लिया और अपनी भाषा में जवाब देने लगा। मेरी माँ एक स्कूल चलाती है और गांव वालों के साथ काम करती है। मैं हमारे समाज के बारे में और जानना चाहता था। हमारे गांव इतने पिछड़े क्यों हैं? हमारे यहाँ जाति और धर्म के नाम पर इतने मतभेद क्यों हैं? मुझे लगा इनमें से कुछ सवालों के जवाब मुझे इस कोर्स से मिल सकेंगे। प्रोफेसर गुप्ता ने मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे, लेकिन वे उस किस्म के आदमी थे जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग लोग अपटाइट प्रिक कहते हैं। उन्हें पीयूष ने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा वे उसे ट्रांसलेट करके उन्हें समझाएंगे। That's a good reason, पीयूष की बात खत्म होते ही प्रोफेसर परिदा ने कहा, लेकिन अब तुम दिल्ली में हो। यदि तुम स्टीफेंस से पास आउट हो गए तो तुम्हें बड़ी कंपनियों में जॉब मिलेंगे। तुम लौटकर अपने कस्बे में जाओगे? उनकी चिंता जायज थी। मुझे उनका सवाल समझने में कुछ पल का वक्त लगा। पीयूष ने ट्रांसलेट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने इशारे से उन्हें मना कर दिया। मैं जाऊंगा सर, मैंने अंततः कहा। मैंने इसके लिए कोई कारण नहीं बताया। मैंने उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं समझी कि मैं वहां इसलिए जाऊंगा क्योंकि मेरी माँ वहां अकेली थी। मैंने यह भी नहीं कहा कि हम शिवराव के शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे। अलबत्ता अब हमारे खानदान में कुछ भी शाही नहीं रह गया था, तो हम तुमसे बिहार के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे, प्रोफेसर फर्नांडिस ने कहा। श्योर। बिहार की आबादी कितनी है? 10 करोड़। बिहार में कौन सरकार चला रहा है? फिलहाल तो लालू प्रसाद की पार्टी। कौन सी पार्टी? RJD, राष्ट्रीय जनता दल। एक सवाल ने मुझे स्टंप्ड कर दिया। बिहार इतना बैकवर्ड क्यों है? प्रोफेसर गुप्ता ने पूछा। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता था, न हिंदी में न इंग्लिश में। पीयूष ने मेरी तरफ से जवाब देने की कोशिश की। सर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई भी ठीक से नहीं दे सकता। लेकिन प्रोफेसर गुप्ता ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ गांव में एक स्कूल चलाती हैं। तुम्हें बिहार के बारे में पता होना चाहिए। मैं चुप रहा। इट्स ओके, हिंदी में जवाब दो, प्रोफेसर परिदा ने कहा। किसकी तुलना में बैकवर्ड सर? मैंने प्रोफेसर गुप्ता की ओर देखते हुए हिंदी में कहा, भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में। लेकिन भारत खुद काफी बैकवर्ड है, मैंने कहा। वह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। श्योर, लेकिन बिहार गरीबों में भी सबसे गरीब क्यों है?
बैड गवर्नमेंट, पीयूष ने फौरन कहा। लेकिन प्रोफेसर गुप्ता की आंखें मुझ पर टिकी थीं, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण है। सर, मैंने कहा, लोगों के पास आधुनिकता के साधनों तक पहुंच नहीं है और वे अपने पिछड़ेपन से चिपके रहते हैं। शिक्षा की हालत बहुत खराब है। मेरे राज्य में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। सरकार अपराधियों से मिली हुई है और वे आपस में मिलकर इस राज्य और इसके लोगों को लूटते खसोटते हैं। प्रोफेसर परेरा ने प्रोफेसर गुप्ता के लिए मेरे जवाब को ट्रांसलेट कर लिया। उन्होंने यह सुनकर सिर हिलाया, तुम्हारे जवाब सेंसिबल हैं, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश टेरेबल है। उन्होंने कहा, आपको एक सेंसिबल स्टूडेंट चाहिए या एक ऐसा स्टूडेंट जो एक विदेशी भाषा को अच्छे से बोल लेता है। मेरी इस बात ने उन सभी को स्टम्प्ड कर दिया। प्रोफेसर फर्नांडिस ने मेरी ओर सिर घुमाया और चश्मे को पोंछते हुए बोले, इंग्लिश अब एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं रह गई है मिस्टर झा, अब यह एक ग्लोबल लैंग्वेज है। मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम इसे सीख लो, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैंने कहा, मैं दिल से जवाब दे रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उन प्रोफेसरों पर इसका असर हो भी रहा है या नहीं। इंटरव्यू पूरा हो गया था। उन्होंने मुझे रूम से चले जाने को कहा। मैं कॉरिडोर में खड़ा सोच रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी पीयूष कमेटी रूम से बाहर निकले। अपनी पतली और फिट कदकाठी के कारण एक स्टूडेंट लग रहे थे, हालांकि उनकी उम्र उनसे कहीं अधिक थी। वे मुझसे हिंदी में बोले, एक घंटे बाद तुम्हारा स्पोर्ट्स ट्रायल है, मुझे बास्केटबॉल कोर्ट में मिलो। सर, क्या इसका कोई फायदा है? मेरा इंटरव्यू बहुत खराब हुआ है। तुम बास्केटबॉल के साथ थोड़ी इंग्लिश नहीं सीख पाए? हमारे एरिया में कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता है। मैं रुका और अंत में जोर दिया, सर। उन्होंने मेरी पीठ पर धूल जमाते हुए कहा, बिहार मोड से बाहर आ जाओ बेटा। खैर, स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल 85% के बराबर होता है, अच्छे से खेलना। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा सर।